Hey spectators, welcome back to another video. तो यार आज की एक और फेस कैम वाली वीडियो में तुम सबका स्वागत है. और अब से मैं डेली वीडियोस डालने वाला हूँ शायद, मगर हर वीडियो फेस कैम नहीं होगी, ठीक है. सो भाई आज हम माइनक्राफ्ट खेल रहे हैं, और माइनक्राफ्ट में हम, जैसे मैंने तुम्हें पिछली बार बोला था कि हम अपने घर को थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे, मतलब इंटीरियर का थोड़ा काम करें. मतलब मेरा जो घर है, मैं मेरे घर में रहता ही नहीं हूँ. मेरे घर के पीछे मैंने स्पेशल बना के रखा है एक रूम, वहाँ पर मैं रहता हूँ. मतलब वहाँ पर मेरा चेस्ट रूम, मेरा एक्चुअली मैं वहाँ पर सोना ही नहीं चाहिए यार, मेरा चेस्ट रूम है वो, लेकिन मैं वहाँ पर सो जाता हूँ क्योंकि मेरे घर में घुस तो सकता हूँ मैं, लेकिन फिर से बाहर नहीं आ सकता, ऐसा वाला सीन है. सो मैंने क्या सोचा है भाई, घर में ही भाई घर बनाया, क्यों बनाया हमने घर, घर में रहना ही नहीं तो क्यों बनाया हमने घर. सो यार घर में हम जाएंगे और आज इंटीरियर कर देंगे. सो यस, आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना यार. ओके गाइस, तो यहाँ पर जैसे ही तुम देख सकते हो मैं अपने रूम में हूँ. एंड पहले तो मैं सब इक्विपमेंट्स यानी सब जो भी इंटीरियर के लिए सामान लगेगा मैं वो ले लेता हूँ. ओके सो ओके गाइस, सुबह हो चुकी है, हम सो रहे थे थोड़ी देर के लिए. और यहाँ पर देखो पहली चीज क्या करनी है ना, ये सब निकाल देना यार, अच्छा नहीं लग रहा. शिट, क्या हुआ? आई डोंट नो, हुआ वो पता भी नहीं चला. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो सारी अचीवमेंट्स हमने तोड़ दी है. अब यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या करनी है हमें, कि इसी के बाजू में एक और दरवाजा लगाना है. मगर उससे पहले घर एकदम सही है. अरे पता है कुछ टाइम पहले ना क्या हुआ था मेरा, हाँ मेरे कुछ दोस्त आए थे मेरा वर्ल्ड देखने, तो मैं दिखा रहा था उनको, और अचानक से क्या हो गया भाई, मेरे ही घर में ज़ॉम्बी स्पॉन हो गया. ऐसे अंधेरा है, हो ही जाएगा, इसमें कोई बात है नहीं भाई, होने ही वाला है अंधेरे में ज़ॉम्बी स्पॉन. फिलहाल हम टॉर्च लगा लेते हैं, बाद में हम लैंटर्न लगाएंगे यार, और भी अच्छा दिखने लग जाएगा घर, ठीक है. क्योंकि मुझे लैंटर्न टॉर्च से अच्छा लगता है भाई, टॉर्च मेरे को सबसे घटिया दिखाई देता है, मतलब इतना अच्छा खासा नहीं दिखता टॉर्च, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो. सो यहाँ पर ओ बटन था ऑलरेडी हमने, बस एक ठीक है ना, एक्स्ट्रा बना लिया, क्या दिक्कत है. सो यहाँ पर हमें लगाने हैं प्रेशर प्लेट्स ताकि हम आ जा सकें. ओके वेरी नाइस, ये तो वेरी नाइस है जी. ओ एंड ये जो नेम टैग है ये यही पर रहने देते हैं, ठीक है. सो अभी अंदर का सीन देखते क्या है. देखो सबसे पहले यहाँ पर है जो ना एक टीवी जैसा कुछ हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमने यहाँ पर टीवी लगवा लिया है. सो पेंटिंग जो होती है वो कभी कभी टीवी जैसी दिखने लग जाती है, तो पेंटिंग रहेगी तो भी अच्छा लगेगा. तो पेंटिंग हम बना लेते हैं सबसे पहले. One hour later. क्या हमने पेंटिंग बना ली है, अब देखते हैं पेंटिंग किस तरह से लगती है यहाँ पे. देखो अब मैं ये लाइटिंग अगर निकालूं तो क्या पूरी लगेगी, क्या चली गई? ओ भाई 6 hours later. Okay, so हमारी पेंटिंग यहाँ पर तैयार है. और यस यही चाहता था मैं. अब देखो यहाँ पे इतना जो सीन है हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे.
ओके, इसको आखिरकार हमें तोड़ना ही पड़ेगा। ओके, तो घर इस तरह का कुछ दिखाई दे रहा है। हम इसे और भी अच्छा करेंगे। ओके, सो ये है हमारे घर का फ्रंट साइड। सो यहाँ पर मैंने सोचा है कि हम थोड़ा सा ग्लोस्टोन लगाए। और ये थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे हम। ये घर थोड़ा एक्सटेंडेड लग रहा है अब। सो पीछे की साइड अगर हम एक्सटेंड कर दे तो और अच्छा रहेगा, मगर पीछे कुत्ते हैं हमारे। सो थोड़ा सा इधर सर। साहब साहब, आप कभी तो मुझे साहब अच्छा खाने को दे साहब, सिर्फ काम कराते हो साहब। ओके, हम ट्राई करेंगे। देखो यहाँ पर लीवर दिखाई देगा, अभी लीवर का क्या कर सकते हैं। लीवर को जो है यहाँ पर लगाएंगे तो भी वो खुल रहा है। सो बहुत ही बढ़िया। ओके, मेरे पास एक आइडिया आया, क्यों ना हम इसकी एंट्री घर के अंदर से ही रखें। मतलब देखो यहाँ पर है हमारा घर और घर में आते ही ये लीवर खींचेंगे तो घर से ही एंट्री है, लेकिन एग्जिट बाहर से करके फिर वापस घर में आना है। सो यस, ये चल जाएगा। ओके, अब घर अच्छा लग रहा है, थोड़ा ग्लोस्टोन लगा लेते हैं हम। क्या चल रहा है। सो यहाँ पर पहला ग्लोस्टोन, ये साइड दूसरा ग्लोस्टोन। ओके, ये अब अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर हमारे बेड्स लगेंगे तो दो बेड लेके आते हैं। पहला तो ये रहा।
सो जाते हैं, फिर सुबह के वक्त काम करेंगे, तो फिर रात को क्रीपर्स आते रहेंगे और हमारा घर तोड़ दिया तो फिर भाई गया खत्म, टाटा गुड बाय, गया खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय, गया। देखो पहला बेड यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर, एक बेड थोड़ा गंदा सा नहीं लग रहा है? गंदा लग रहा थोड़ा सा, मगर चल जाएगा। यहाँ पर जो है भाई, मैंने दोनों व्हाइट बेड बनाए थे यार, ये वाला थोड़ा ग्रे क्यों लग रहा है? लैंटर्न लेकर आ जाते हैं। Three weeks later. Okay. So ये हमारा छोटा सा स्वीट हाउस है और यहाँ पर हम आइटम फ्रेम भी लगाएंगे। हमारे पास है आइटम फ्रेम, यस वी हैव इट। और आइटम फ्रेम में हम क्या लगाएंगे, क्या लगा है हम आइटम फ्रेम में? डायमंड लगाएंगे पिछली बार की तरह, ठीक है चाहिए। सो ये निकाल के रख लेते हैं। और हमारे पास कुछ सामान है जो मैंने ऑफलाइन किया था, सो यस हमारे पास डायमंड की पूरी सेटिंग है, हमें बस लगाना है। देखो आइटम फ्रेम लगेगा यहाँ पर, घर में आते ही भाई बंदे को दिखना चाहिए यार, बंदा अमीर है, डायमंड डायमंड है इसके पास, ठीक है। ये रहा, और अभी इसको है ना हमें ये लगाना है, ओके। अब जो मेरे पास आर्मर स्टैंड है वो कहाँ लगेगा? सो वो लगेगा कुछ यहाँ, पूरा इसको पहना देते हैं। और एक सेकंड, मेरे पास डायमंड का एक और एक सामान है, वो हम इसके हाथ पे लगा देंगे तो और भी अच्छा लगेगा। ये हमारे पास डायमंड की पिकैक्स है अपनी, फोड़ेरा जो चीजें फोड़ती रहती है। मस्त जोक मारा रे, ये हाथ से हलकट हाथ। ये रहा, सो यस हमारा है ये घर। अब थोड़ा सा सिनेमैटिक लुक में घर की एंट्री कराता हूँ तुमको। सो यस यही था हमारा रूम, और तुमको कैसा लगा भाई बताओ कमेंट्स में। सो मेरे पास इससे ज़्यादा कुछ आइडिया है नहीं, घर थोड़ा छोटा है पता है मुझे, थोड़ा बड़ा है तो हम सोफ़ा वगैरह भी बना लेते। सो यस यही था हमारा छोटा सा, और मैं अकेला ही हूँ तो यार बड़े घर की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, मगर इसके आगे हम बनाएंगे। सो यस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कर देना, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।